YouTube फैमिली वेलकम टू माय YouTube चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आज का व्लॉग शूट हो रहा है, शो वेरी स्पेशल व्लॉग है और कंटिन्यू देखते रहिए, ना स्किप मत करिए व्लॉग को। बहुत ही स्पेशल होने वाला, आज घर की रेसिपी बना रहे हम, तो आपको इस वीडियो के माध्यम आपको बताएंगे कि घर से रेसिपी कैसे बनाते हैं। सो बहुत मस्त होगा, देखते रहिए आप ब्लॉग को कंटिन्यू। तो गाइस लेके चलते आपको रेसिपी के पास, तो होममेड रेसिपी कैसे बनती है, लेट्स गो। तो गाइस आप देख सकते हैं पनीर की ग्रेवी बन के रेडी हो रही है। इसमें क्या क्या है, जस्ट लाइक प्याज, टमाटर और मिर्ची, अदरक और लहसुन, ये सब डाल के अभी ग्रेवी पकेगी। हम थोड़ी देर उसको पाँच मिनट तक पका के रखना है, फिर एकदम पूरी तरह से पक जाए तो उसके बाद हम इसको इसकी एकदम ग्रेवी बनाएंगे। वो मिक्सी में शेक करके इसकी ग्रेवी बनी जाएगी, फिर उसको वापस फ्राई किया जाएगा। वो पूरा प्रोसेसर कैसा था हम आपको बताएंगे ब्लॉग के थ्रू, आप बने रहिए बस ब्लॉग में और देखते रहिए कंटिन्यू ब्लॉगिंग, तो आपको सब पता लगेगा कि एक प्रॉपर पनीर कैसे बनाया जाता है। होममेड पनीर बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी, ये बहुत ही जाने माने कलाकार बना रहे हैं। हाँ, ये पनीर और ग्रेवी बन के थोड़ी थोड़ी रेडी हो रही है, थोड़ी आँच में पकने दी जाए, तो आपको नेक्स्ट ग्रेवी की दिखाई देंगे आपको वीडियो। कंटिन्यू आप बने रहिए, इसमें देखते रहिए। और गाइस ये प्याज आज पक के रेडी हो गया है, उसके बाद हम इसको मिक्सी में ऐसे शेक करेंगे तो ये बन जाएगी ग्रेवी। ये है ग्रेवी, मिक्सी में पीस के ऐसे बनाई जाती है। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये हो गई हमारी ग्रेवी बन के रेडी हो गई। और पूरी बनाने के बाद इसको वापस फ्राई करेंगे इसको, फिर उसके बाद बताएंगे आपको क्या होता आगे। ये देखिए ऐसे बन के रेडी होती है, ये देख सकते हैं, ये हो गई एकदम रेडी ग्रेवी। देखते रहिए कंटिन्यू आप। इसको हम फ्राई करेंगे, तेल लिया थोड़ा, जीरा और कैरी पत्ता, कड़ी पत्ता, कैरी पत्ता डालने से स्वाद आता है थोड़ा, इसमें सुगंध अच्छी रहेगी। इसको हलाएंगे धीरे धीरे आँच में, पकने दे इसको अच्छे से। ये हमारी ग्रेवी रेडी है पक के, बना सकते हैं हम। मटर पनीर बनेगा, वो उधर पड़े मटर है वो भी डालेंगे, और डालो नेक्स्ट मिर्ची स्वाद अनुसार मिर्ची। और ये हमने ग्रेवी डाल दी है, ग्रेवी को हम पकने देंगे धीरे 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 धीरे, काफ़ी देर तक इनको पकने दें, जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे, इसके अंदर थोड़ा ऑयल छोड़ेगा वो ग्रेवी, तब तक हम इनको पकने देते हैं आँच में धीरे धीरे आँच में। ध्यान रहे घर पे बनाते समय, ये ऐसे बहुत करता है, ये उछलता बहुत है, ये बाहर उछल उछल के बाहर आ जाता है ये, तो ध्यान रखे इनका थोड़ा सावधानी रहे क्योंकि हाथ ना जल जाए आपका, इसलिए। और फिर अपन, ये रहा हमारा पनीर, नंदनी पनीर, इसको छोटे छोटे कट करके ये पकने के बाद इसको डाल देंगे, फिर थोड़े और पकने दें इनको। और ये है मटर, इसको भी थोड़े इसको छोटे कर लेंगे पीस के, ताकि ये अच्छे से बन जाएगा। और पनीर अपन घर पे भी बना सकते हैं, बट हमने तो रेडीमेड लाके बनाए हैं कि बना रहे क्योंकि जल्दी बन जाता है इसलिए। ठीक है, आप कंटिन्यू बने रहिए, बता दें आपको पनीर की रेसिपी पूरी। ओके गाइस, ये बन के रेडी हो गई है ग्रेवी, हम इसमें ये डालेंगे अब मटर डालेंगे धीरे धीरे, और वापस इस मटर को थोड़ा पाँच मिनट, ज़्यादा नहीं, पाँच मिनट तक उसको पकने देंगे धीमी आँच रख के, क्योंकि अब ये ग्रेवी ऑयल छोड़ दिया तो उसके बाद मटर डाला हमने, और मटर डालने के बाद पाँच मिनट रखने के बाद फिर डालेंगे पनीर, पनीर को भी पाँच दस मिनट उनको भी पकने देंगे हम धीरे धीरे आँच में ऐसे।
तो ये ध्यान रखना, ये देखो बाहर उफन उफन के बाहर आ रहा है, तो ध्यान रखना इनका गाइस, कभी आप बनाओ घर पे तो ऐसे। ठीक है, तो ये ग्रेवी बन के रेडी हो गई है, मटर बन गए हैं, रेडी हो गए हैं, देख सकते हैं आप कितने अच्छी बनी है ग्रेवी। वाह क्या सुगंध आ रही, जबरदस्त। ये कड़ी पत्ता डालने से थोड़ी सुगंध बढ़ जाती है, और ये बनके रेडी हो गई। अब अपन डालेंगे ये पनीर, कट कर दिया अपने छोटे छोटे, और ये पनीर डालेंगे, ये अपने पनीर डाल दिया, और इसको धीमी आंच में अपन इसको पकाएंगे जब 5 से 7 मिनट तक, ताकि अच्छे से पक जाए, रेडी हो जाए। अपन ने पनीर डाल दिया और हम इसको धीरे धीरे बॉइल करेंगे पनीर को। वाह क्या मस्त बना पनीर, बस खाते जाओ खाते जाओ, खाइए और खो जाइए और कोरोना को भगाइए। ये होममेड रेसिपी आप घर पे भी आसान तरीकों से बना सकते हो पनीर। तो देखिए गाइस, ये हमारी रेसिपी बन के रेडी हो गई, तैयार हो गई। ये हमारा मटर पनीर तैयार हो गया, बस खाने की देर है। देखो पूरा रेडी हो जाता, बन जाता है, तो फिर उसके ऊपर ये ऑयल ऑयल आ जाता है, तो समझ लेना कि एकदम रेडी हो गई, पक के तैयार हो गई हमारी रेसिपी। हम रेडी टू ईट, कि हम इसको बस अब खाएंगे, खाने की देर है, और बस देखते रहिए और लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी, कैसे है आप भी बताइए। आई होप आपको पसंद आया होगा ये ब्लॉग। थैंक यू सो मच दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू गाइस। आपने अभी अभी रेसिपी देखी होगी मटर पनीर की रेसिपी, ये देखो बन के रेडी हो गई एकदम तैयार, अब खाने की तैयार। बहुत मस्त रेसिपी बनी है, और आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके गाइस बाय।